वैसे तो गट्टे की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है इसकी सामग्री भी सभी के घर में आराम से मिल जाती है तो मैं आज आपको ट्रेडिशनल तरीके से राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी जिसमें गट्टे आपके हमेशा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और ग्रेवी इसकी क्रीमी बन के तैयार होगी तो चलिए गट्टे की सब्ज़ी बनाना इस्टार्ट करते हैं गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने थ्री फोर्थ कप बेसन लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे वन फोर चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार अजवाइन डाल देंगे अजवाइन को इस तरीके से हाथ में लेके मसल के डालें और वन फोर चम्मच हिंग डाल देंगे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम मोयन डाल देंगे गट्टे में मोयन डालना बहुत ज़रूरी है हम इसमें दो तो तीन चम्मच तेल डाल देंगे आप घी का भी यूज़ कर सकते हो तेल की जगह मोयन डालने के बाद मिक्स कर लेना है इसे अच्छे से कोई भी एरिया जो है छूटना नहीं चाहिए सभी जगह पे अच्छे से मोयन लग गया है ये देखिए आप इसे हाथ में लेके देख सकते हैं अब हम इसमें पानी डाल के आटा गूँध लेंगे इसका आटा गूंदने के लिए हमें टू टेबल स्पून पानी जैसा लगेगा और ये हमारा बेसन अच्छे से गूँज चुका है ये देखिए इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे हाथ में छोटा छोटा लोई लेंगे और इसको गोल करके लंबा-लंबा सेप दे देंगे अच्छी पोली से गट्टे के ऊपर आप देख सकते हैं सारे गट्टे हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे सारे गट्टे हमारे बन के तैयार है इसे उबालने की तैयारी करते हैं गट्टे को उबालने के लिए हमने एक पेन लिया है और पेन में हम दो कप पानी डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे पानी के अंदर उबाल आ गया है पानी में उबाल आने के बाद एक एक करके सारे गट्टे इसमें डाल दे पानी में उबाल आ जाए तभी इसमें गट्टे डालना है पहले नहीं डालना है नहीं तो ये गल जाएंगे सारे गट्टों को हमने डाल दिया है और इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं दो तीन मिनट के लिए और ये गट्टों को उबलते हुए दो मिनट हो गए हैं एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं और इनको थोड़ा सा पलट देंगे पलटने के बाद फिर से ढक्कन लगा के उबलने देंगे जब तक साइड में गट्टे उबल रहे हैं तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं हमने यहाँ एक कप दही लिया है ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है खट्टे दही से गट्टे ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं आप इसमें फ्रेश दही यूज करें दही में हम कुछ मसाले डाल देंगे हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार वन फोर चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं गट्टों को उबलते हुए आठ मिनट हो गए हैं गट्टे अच्छे से उबल के तैयार हो गए हैं गट्टे अच्छे से उबल गए ये आप कैसे पहचाने अगर आपके गट्टे के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से बॉइल्स आ गए हैं मतलब गट्टे अच्छे से उबल के तैयार हो गए हैं ये गट्टे की उबल जाने की पहचान है अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गट्टों को बाहर निकाल लेंगे जो इसके साथ पानी है पेन में उसको हमें फेंकना नहीं है पानी को हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे जिससे इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी और रिच बन के तैयार होगी अब इन्हें कट कर लेते हैं बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बन के तैयार हुए हैं हमारे ये इजीली कट हो जाएंगे गट्टे का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें एक टेबल स्पून तेल डाल देंगे आप तेल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं तेल के गरम होते ही हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे वन फोर चम्मच हिंग डाल देते हैं जीरा हमारा पक गया है हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं ये दो हरी मिर्च है साथ ही में मैंने एक इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया है और इसे थोड़ा सा पकने देंगे चला लेंगे थोड़ा सा इसे सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है अब हम इसमें प्याज डाल देंगे ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है मिला दें इसे भी अच्छे से अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को अब हम इसमें दही का मसाला डालेंगे जो हमने बना के रखा था दही का मसाला डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहना है नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगा तो इसे चलाते रहना है हमें ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है आपने देखा इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं लगते हैं और सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसे चलाते रहना है हमें दही को कच्चा रखेंगे तो सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनेगी इसलिए दही को पकाना ज़रूरी है अब ये हमारा दही का मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया है आप देख सकते हैं इसमें तेल ऊपर आ गया है ऊपर दिखने लग गया है मतलब दही का मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया है अब जो गट्टे हमने काट के रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं गट्टे डालने के बाद हम गट्टे का पानी भी इसमें डाल देंगे जो हमने रखा है गट्टे का पानी फेंके नहीं आप इसे ज़रूर यूज़ करें इसे ग्रेवी गाढ़ी और टेस्टी बनेगी मिला दे इसे अच्छे से और अब हम गट्टों को दो मिनट और पका लेंगे गट्टे पकते हुए दो मिनट हो गए हैं इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं गरम मसाला आप लास्ट में डालें इससे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है बेसन कट्टे की सब्ज़ी बन के तैयार है हमारी हम इसमें लास्ट में धनिया पत्ती डाल देंगे और सर्व कर लेते हैं आप इस सब्जी को रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें